क्या आपका चार्जर इस तरह से लंगड़ा हो गया है? अरे हाँ भाई हाँ। तो इसे फेंकिए मत, इसे हम दोबारा यूज में ले सकते हैं। आप इस तरह यूज तो में ले चलिए सकते। हम इसे पिन कैसे लगाते हैं, हम लगा कर दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि यह चार्जर किस तरह से टूट गया है। इसका एक टांग टूट गई है, तो इसे हम सबसे पहले खोल लेना है चार्जर को। चार्जर खोल लेने के बाद हम वायर को डिसोल्डर करते हैं। वायर को डिसोल्डर करने के बाद वायर को निकाल के फेंक दीजिए। फिर हम एक पिन और थोड़ा सा वायर लेके चार्जर में सोल्डरिंग कर देंगे। उसके लिए सबसे पहले हम चार्जर को पहले दूसरे वाले स्टांग निकाल कर फेंक देंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। फिर चार्जर के ढक्कन को हम खोल कर लेते हैं वायर लगा डालने के लिए। खोल सोल्डरिंग की मदद से कर लीजिए। फिर वायर उसमें से डाल देंगे हम और एक गांठ लगाएंगे ताकि वायर निकल ना जाए। फिर हम इसे अच्छे से गांठ बांध देने के बाद वायर को सोल्डिंग कर लेंगे चार्जर की किट के साथ। दोनों वायर को सोल्डरिंग कर लेते हैं अच्छे से। सोल्डरिंग करने के बाद हम चार्जर को दोबारा पहले जैसे पैक करेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारा चार्जर अब दोबारा से यूज में लेने के लिए तैयार है। अब इसके हम टेस्टिंग करके देखते हैं। पिन को हम बोर्ड के सॉकेट में लगाएंगे और आप ये देख सकते हैं चार्जर हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। इस तरह आप केवल 10 रुपये में चार्जर रिपेयर कर सकते हैं, दोबारा से यूज में ला सकते हैं।